हेलो एवरीवन, मैं हूँ सीता गुप्ता रेसिपी सबसे। आज हम शक्करपारे बनाने जा रहे हैं और इसे बनाने के लिए मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट बताऊंगी, जिससे आपके शक्करपारे एकदम ख़राब नहीं होंगे, एकदम खस्ता कड़क बनेंगे। और इसके जो मेजरमेंट होंगे शक्कर के, मैदा और मोयन का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एक परफेक्ट शक्करपारा बनाने के लिए। और इसे 1.5 महीने 2 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं एकदम आसानी से। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ज़रूर से लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को भी ज़रूर शेयर करें। यहाँ पर मैंने 1 कप मैदा लिया है, वजन में ये 115 ग्राम मैदा है। तो अगर 1 कप मैदे का आप बना रहे हैं शक्करपारा, तो उसमें मोयन हम जब डालेंगे, तो मैं यहाँ पर टेबल स्पून का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 2 टेबल स्पून ऑयल मैंने डाला है, ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। ये जो 2 टेबल स्पून है, अगर मिलीलीटर में देखेंगे तो 30 मिलीलीटर होगा। इसी हिसाब से जितना आप बनाना चाहते हैं उसके हिसाब से आप मोयन ले लें। तो 2 कप मैंने मैदा लिया है और 4 टेबल स्पून ऑयल गया है, यानी टोटल 230 ग्राम मैदा में 60 मिलीलीटर हम मोयन डालेंगे, चाहे घी हो या तेल। इसे अच्छी तरह से मिलाना है। इस तरह से दोनों हाथों के बीच में मैदे को रब करें। मोयन मैदे में अच्छी तरह से मिलना चाहिए, तभी मोयन अपना काम करता है। और जब इसे आप बाइंड करेंगे तो ये देखिए एकदम टाइट बाइंड होगा और तोड़ने पे भी ये बिखरेगा नहीं। तो ये परफेक्ट मेजरमेंट है मोयन का। अब जब इसे हम गूथेंगे तो बिल्कुल हल्का हल्का पानी स्प्रिंकल करते हुए इसे बस इकट्ठा करना है। मैदे का जो हम डो बना रहे हैं बिल्कुल स्टिफ होना चाहिए, यानी कड़क होना चाहिए, बिल्कुल भी नरम हमें नहीं बनाना है इसका डो। और ये देखिए मैदा हमारा इकट्ठा हो गया है। और ये इस तरह से मैदे को इकट्ठा करने में मुझे लगा है 1/2 कप पानी, यानी 2 कप मैदा था तो 1/2 कप के लगभग पानी लगा है। अब इस मैदे को हम ढक कर रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए, जिससे अच्छी तरह से इसको रेस्ट मिल जाए। अब 10 मिनट के बाद मैंने इसे ओपन किया है, तो अब मैं क्या कर रही हूँ, हल्का सा इसे थोड़ा सा मिला रही हूँ, मसल मसल के मैं नहीं गूँथ रही हूँ, आप जैसा देख रहे हैं हल्का सा इसे मिलाना है। और अब इसके हम 2 से 3 पोर्शन कर लेंगे, जिससे हम अच्छी तरह से रोल कर सकें। जितना बड़ा हमारा बोर्ड होगा, रोलिंग बोर्ड, उसके हिसाब से आप इसके लोइयां बना लें और इसको ढक कर रखें ताकि ये ड्राई ना हो। बिल्कुल इस तरह से लोइयों को हमें बराबर और स्मूथ करना है। और इसके बाद इस तरह से स्प्रेड कर दीजिए। अब इसे आप जब रोल करेंगे तो ध्यान रखें कि एक बराबर पूरा रोल हो, कहीं मोटा कहीं पतला नहीं होना चाहिए। और जो इसकी हम थिकनेस रखेंगे 0.5 सेंटीमीटर या 0.75 सेंटीमीटर रखें, इससे अधिक मत रखें, क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये फूलेगा और ये थिक हो जाता है। और इस तरह से आप, अगर आपको अंदाज़ा नहीं है बराबर काटने का, तो इस तरह से स्केल से मेज़र करके आप काटें ताकि सारे जो बाइट बने एक बराबर बने। तो मैं इसे स्क्वायर में काट ली हूँ, 1/2 इंच के स्क्वायर में मैंने सारे मैदे को काट लिया है। और आप चाहें, अगर आपको अंदाज़ा है, तो बिना स्केल लगाए, बिना किसी मेज़रमेंट का, आप इसे फटाफट काट सकते हैं। ये चीज़ काफ़ी आसानी से हो जाती है। और इस तरह से आप सारे क्यूब्स को निकाल कर एक बर्तन में रखें, और जब इसे रखें तो ढक कर रखें ताकि ये ड्राई ना हो। और ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इसे हम फ्राई करेंगे और जैसे इसे पकने लगेगा, ये सब सेपरेट हो जाएगा। फ्राई करने के लिए जो हम तेल लेंगे वो हल्का गर्म होना चाहिए। तो इसके लिए आप छोटा सा डो डाल दें मैदे का इसमें, और देखिए धीरे धीरे ये फ्राई हो रहा है बिल्कुल। तो अब इसके बाद आप इसमें डाल सकते हैं सारे क्यूब्स को। अगर आपका तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो गैस को बंद करके थोड़ा ठंडा होने दें, तब आप फ्राई करें। पूरे इस मैदे के क्यूब को हम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर फ्राई करेंगे, धीमी आंच पर फ्राई करना है। और हाँ, एक साथ ढेर सारे मैदे क्यूब्स तेल में ना डालें, क्योंकि जैसे ही ये पकने लगेगा अंदर से इसके लेयर ओपन होने लगते हैं और इसकी मात्रा काफ़ी बढ़ जाती है।
जिसकी वजह से आपको अच्छी तरह से फ्राई करने में प्रॉब्लम होगी। कम रहेंगे तो एक बराबर ये सिकेंगे, अंदर तक पकेंगे। इसे अच्छी तरह से फ्राई होने में 15 से 20 मिनट का टाइम लगता है, तो पेशेंस रखें और अच्छी तरह से इसे पकने दें। जब ये पक जाएगा, देखिए ये मेरे जो शक्करपारे हैं अंदर से लेयर दिखाई दे रहा है, खुल गया है और खूब अच्छा सा कलर आया है एक बराबर। तो मैंने इसे तेल से बाहर निकाल लिया है, और तेल से जब आप इसे बाहर निकालें तो किसी भी एक बर्तन में रखें, टिश्यू पेपर ना लगाएं, इससे ये सॉफ्ट हो जाएगा। और ये जो तेल बचा हुआ है, मैंने गैस को बंद कर दिया इस समय, क्योंकि काफ़ी गर्म हो गया था तेल। और इसके बाद जो बचे हुए मैदे के क्यूब्स हैं मैंने डाल दिया, और ये देखिए ये भी अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। जब ये थोड़ा नॉर्मल टेम्परेचर पे आ गया, हल्का गर्म रह गया, तो मैंने ऑन करके सारा फ्राई कर लिया, और खूब अच्छी तरह से एक बराबर कलर आया है, काफ़ी अच्छा इसका लेयर आया है और खूब खस्ता बना है। ये देखिए कितना खस्ता है, बहुत ही बढ़िया ये हमारा ये मैदे का क्यूब तैयार हो गया है। अब इसकी चाशनी मैं बनाने वाली हूँ। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पर 1/4 कप शक्कर यानी 3/4 कप शक्कर है, और 1/2 कप पानी मैंने डाला है। और अब इसे मिल्ट करेंगे शक्कर को। तो ध्यान रखिएगा, 2 कप मैदे में 1/4 कप शक्कर जाएगा, और ये बिल्कुल परफेक्ट होता है, एकदम शक्कर शक्कर वाला नहीं बनता है। जैसा मार्केट मिलता है ना, बहुत ही चीनी लगा होता है ऊपर से, वैसा नहीं बनेगा, एकदम हल्का बराबर ये शक्कर रहेगा। चाशनी को थोड़ा पकाने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी हम चेक करेंगे। जो इसकी कंसिस्टेंसी रहेगी एक तार की रहेगी, तो थोड़ा सा उंगली पर चाशनी लगाएं और थोड़ा ठंडा करके इस तरह से आप उठाएंगे तो तार आपको दिखाई देगा। जैसे इसमें एक तार दिखाई दिया है, तो गैस को तुरंत बंद करके जो मैदे के क्यूब्स हैं उसे डालें और फटाफट चाशनी में मिलाएं। और इस तरह से जो चाशनी होती है मैदे में अच्छी तरह से कोट हो जाती है, और आप धीरे धीरे मिलाते रहें जिससे ये आपस में बाइंड नहीं होते हैं। बढ़िया खिले खिले हमारे ये जो शक्कर पारे बनकर तैयार हो जाते हैं, दिखने में काफ़ी सुंदर है। और इसे ठंडा होने दें, बिल्कुल जब कंप्लीट ये ठंडा हो जाएगा तो खूब खस्ता बनेगा, और इसके बाद आप स्टोर कर लें 1.5 से 2 महीने तक, बढ़िया रहेगा। और काफ़ी ये बढ़िया बना है, एकदम हलवाइयों से भी बढ़िया ये शक्कर पारे बने हैं। और जो कढ़ाई में जो चाशनी लगी रह जाती है उसको आप हल्का सा गरम करें। जैसे ही आप इसे गरम करेंगे तो सारी चाशनी है ना वो निकल जाती है, और इस तरह से आप इसको स्टोर कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपका शक्कर वेस्ट नहीं होगा, बहुत ही काम का है। आप इसे उठाकर रख दें, जब भी आपको बनाना है कोई भी ऐसा चीज़ जिसमें सिरप की ज़रूरत हो उसमें डाल दें, या फिर लड्डू बना रहे हैं इसे डाल दें। तो दोस्तों, जब भी आप शक्कर पारा बनाएं तो इस पूरे मेथड को फॉलो करें स्टेप बाय स्टेप, तो आपके शक्कर पारे बहुत मज़ेदार तो बनने वाले हैं, कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं होगा, ख़राब नहीं होगा। और हाँ, जब भी आप शक्कर पारा बनाएं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर को भी शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।